तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो जो होने वाली है तो वो जो बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली ऐसी धमाकेदार चीज़ होने वाली है। जो बचपन में हम कैंडीज़ वगैरह खाते थे, जो भी कैंडीज़ को लेकर स्टार्टअप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन अपना बचपन नहीं भूल सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के जो ऑनर होने वाले हैं सर जी हैं, तो नमस्कार जी। तो सर नमस्कार सर, आप सर्वप्रथम ये बताइए आपकी जो ये शॉप है ये किस लोकेशन में पड़ने वाली है? सर ये दिल्ली में सदर बाजार के पास आज़ाद मार्केट है। जी सर, हम आज़ाद मार्केट में हैं। तो सर अगर मैं बात करूँ तो आज की जो आप वीडियो कवरअप होने वाली है, तो सर क्या ये होलसेल या रिटेल दोनों में होने वाली है? हम बेसिकली होलसेल है, मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेल भी है। तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं? हाँ जी। तो सर अगर मैं बात करूँ नियर मेट्रो कनेक्टिविटी वगैरह नियरेस्ट जंक्शन वगैरह की, तो क्या पड़ने वाला है? नियरेस्ट मेट्रो हमारा पड़ता है पुल बंगेश आईएसबीटी वाली लाइन पे। जी सर। तो सर आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रशांत गोयल। जी प्रशांत जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सर्वप्रथम ये बताइए आप हमारे व्यूवर्स के लिए सबसे पहला आइटम क्या लेकर के आए हुए हैं? देखिए हम बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। जी सर। जिसके अंदर सौंफ या जेम्स भरी होती है। जी तो सर। उसमें खाने का भी रहता है और खेलने का भी रहता है। क्या बात है सर। तो बच्चे ₹5 में जो रिटेलर ₹5 का बेचेगा जी, उसके अंदर खाने का और खेलने का दोनों का वो कर सकते हैं। क्या बात है। उसके बाद हमारे पास लॉलीपॉप्स होती है, ये जो आइटम हम खुद बनाते हैं। उसके बाद कैंडीज चॉकलेट होती है, वो सारा होलसेल का काम है, अलग अलग आइटम चलती रहती है उसी हिसाब से। तो चलिए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ज्यादा समय न लेते हुए आप ये बता सकते हैं आपके पास पहला आइटम क्या अवेलेबल होने वाला है? सर ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे खिलौने लगे हुए हैं। जी तो ये एक बैडमिंटन है। जी सर। पीछे पाइप में जेम्स पर लगी हुई है। क्या ऊपर साथ में बॉल है। जी सर। ये देखिए हॉकी है, साथ में बॉल है, जेम्स है। क्या ये हुक्का है, इसमें भी जेम्स भरी हुई है। जी ये घड़ी है, उसमें जेम्स भरी हुई है। क्या बात, यानी जेम्स जो है सब इंक्लूडेड है। ये देखिए ये केन है, इसके अंदर जेम्स भरी हुई है। जी हम मोस्टली आइटम में जेम्स रखते हैं। ये देखिए अब ये एक बंदूक है। जी बंदूक के साथ में एक छोटी लॉलीपॉप है। जी सर। साथ में एक स्प्रिंग और एक गोली मिलेगी ताकि बच्चा लॉलीपॉप खाए उस पर बंदूक चला सके। क्या बात है। ये एक चलने वाली चिड़िया है, इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे तो चिड़िया ऐसे ऐसे मूव ऑफ करेगी। जी ये सारे लॉलीपॉप्स हैं। तो यानी खाओ और खेलो दोनों के कॉन्सेप्ट लेकर आए अंकल जी आप लोगों के पास। तो ये देखिए जैसे भी हमारे पास इस तरह की टॉर्चेज हैं, ये छोटी छोटी टॉर्चेस हैं जो चलती भी है, और उसके अंदर आप देखेंगे तो अंदर खाने के लिए सौंफ भी होती है। क्या बात है सर। एक साइकिल भी। हाँ जी सर। देखिए अब जैसे ये एक खिलौना है साइकिल। जी सर। इसके अंदर देखिए इसके पहियों में सौंफ भरी हुई है। क्या बात। और ये ऐसे चलती भी है। इसी तरह की आइटमें जो हैं जी हमारे पास काफी रहती है। जी तो गाइस आपको मैं बता दूं, सौंफ जो होती है ना सर, तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, और मोस्टली विंटर्स वगैरह में तो बहुत ज्यादा है। यानी बच्चा ना सही तो खेलते खेलते भी खा सकता है। हाँ जी, और हाँ स्वस्थ भी रहेगा, फिट भी रहेगा, मस्त भी रहेगा। जी सर। तो सर और आइटम वगैरह? हाँ जी सर। जैसे बच्चों ने खाया होगा पेड़े होते हैं ये। जी सर। एक रुपए की छोटी छोटी गोली होती है ये। जी तो जहाँ तक सर मुझे याद है मैंने भी बचपन में खाए थे, तो ये नारियल के बने हुए। हाँ बिल्कुल सर। और ये देखिए स्टिक्स होती हैं, चटपटी गोलियां हैं जी, पॉपिंग टाइप्स है, वेफर रोल हैं। क्या बात है। ब्लिस्टर एग्स हैं। क्या बात। टॉफीज हैं। जी ये देखिए जैसे बबल गम्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं। क्या बात है। ये देखिए जैसे नीचे कुछ खिलौने और लगे हुए हैं। जी तो सर अगर मैं रेंज की बात करूँ तो जैसे किस रेंज से आपके पास स्टार्टिंग हो जाती है? सर देखिए टॉफी हम ₹1 में बेचते हैं। जी और जो खिलौना है लॉलीपॉप है ये सारे ₹5 के आइटम होती है पर पीस के साथ। पर पीस तो हम कोशिश ये करते हैं कि मेनली 5 वाले आइटम ही बेचें। जी सर। तो गाइस आइटम्स तो बहुत सारी हैं जिनके प्राइस वगैरह कवर अप करना पाना प्रॉपर प्राइस तो आप कर सकते हैं। देखिए ये बॉल है, इसके अंदर जंप्स भरी हुई है। क्या बच्चा जंप का खेल ले। जी उसके बाद देखिए जी ये भी जंप्स टॉय है। तो जी तो गाइस आप में से किसी को भी लॉटरियां हैं जी स्क्रैच कार्ड में एक बच्चों ने लॉटरी बच्चे खेला करते हैं खिलौने। जिस किसी को भी इन सब के प्राइस वगैरह जानने हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, सर से जुड़ सकता है और अपना जो ऑर्डर है वो ये हमारा कार्ड है। क्या बात है सर। तो ये देख सकते हैं ये सर का विजिटिंग कार्ड होने वाला है और इसमें भी नंबर आपको मिलने वाला है, बाकी स्क्रीन पर भी आपको नंबर मिल जाएगा और सर से अपना जो ऑर्डर है। अगर मैं बात करूं सर तो क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह या ऑनलाइन ऑनलाइन वो सब अवेलेबल होता है आपके पास? बिल्कुल होता है। और हम जो भी पूरे इंडिया में कहीं भी कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट से मटेरियल डिस्पैच भी करते हैं।
जी सर, तो उसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो कितना मिनिमम कितनी क्वांटिटी में माल होना चाहिए? तो देखिए ट्रांसपोर्ट पे ले जाएंगे जी, तो फिर हमें कार्टन कार्टन जी भी कार्टन से नीचे ट्रांसपोर्ट जा नहीं सकता। तो एक कार्टन कितने का बन जाता है सर? सर अलग अलग आइटम का अलग अलग प्राइस है। तो अगर मैं मिनिमम 1500 रुपए से लेके 3-4 हज़ार रुपए तक की पेटी बन जाती है, यानी कि स्टार्टिंग 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। क्या बात सर। तो चलिए सर, मैं तो आशा करता हूँ आज की आप सभी को वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी अपना ऑर्डर है ऊपर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे प्लेस आउट करवा सकते हैं आप अपने एड्रेस पर, और आगे मिलते हैं आपको न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।